फ्रेंड्स, बच्चेटोरी पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जी आज हम आ चुके हैं जग्गी सिटी सेंटर एक बार फिर से, और आज हम आए हैं भगत तारा चंद के रेस्टोरेंट में इनका लंच एंजॉय। इनका क्या मतलब, यहाँ पर खाना खाने। ठीक है, फटाफट से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि टेस्ट कैसा है, क्योंकि मैंने नाम बहुत सुना है। तो जी अंदर आते ही सबसे पहले हमने ऑर्डर प्लेस किया खिंचा मसाला। अब क्या है, आया तो सामने पता चला जी खिंचा मसाला पापड़ है। अब इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। पूरी थाली भर के दिए यार, सनी तो दो मंगा रहे थे, कहते मसाला पापड़ दो ले आना। कहता सर आप पहले खा के देखो फिर आप बताना। देखो ये जो पापड़ है वो है फ्राइड वाला, और वो है मोटे वाला पापड़, जो वो मेरे ख्याल से ये वो वाला पापड़ है जो सड़कों में मिलता है, मीन दैट टाइप ऑफ पापड़। ये वो वाला पापड़ नहीं है जो हमारे यहाँ पे नॉर्थ में मसाला पापड़ यूज होता है, वो नहीं है। और उसके ऊपर अच्छे से प्याज टमाटर धनिया और मोटे वाली सेव डाली हुई है। लेकिन हमें टेस्ट नहीं पसंद आया, क्योंकि जो ये नमक मसाले हैं बहुत ही लाइट नोट पे रखे हुए हैं। बहुत ही सिंपल सा मसाला पापड़ बनाया गया, और इसे मैं मसाला पापड़ नहीं बोलूँगी, वैसे तो प्याज टमाटर वाला पापड़ बोल सकते हैं, मसाला नहीं है। तो इसे हमें ज़रा पंजाबी तड़का देना पड़ेगा तब हम इसे ख़त्म कर पाएंगे। और देखते हैं हमने आगे और क्या मंगवाया, फिलहाल ये मुझे पसंद नहीं आया। तो जी खिंचा मसाला से डिसअपॉइंट होके हमने ऑर्डर किया इनका तंदूरी प्लेटर। अब तंदूरी प्लेटर में इन्होंने दिया हमें बड़ी सी मच्छी की ट्रे, मतलब फिश शेप में। उसमें है पनीर है, मशरूम है, और है जी चाप और ब्रोकली। हर एक चीज़ के चार चार पीस हैं, और प्राइस है 625 रुपये प्लस टैक्सेस। ठीक है, देखते हैं वर्थ है कि नहीं। खिंचा मसाला तो मुझे कतई पसंद नहीं आया। ठीक है, अब इसको तो जी तंदूरी प्लेटर के सारी आइटम्स मैंने थोड़ी थोड़ी टेस्ट किए हैं। एटलीस्ट मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही बढ़िया है, एकदम झक्कास, लेकिन खिंचा पापड़ जैसी डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं है। जो मशरूम है वो बहुत ही सॉफ्ट है, और उसके अंदर पनीर की स्टफिंग हो रखी है और भी कुछ कुछ मिक्स कर रखा है। टेस्ट अच्छा है, पनीर बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट है, और चाप हुई चाप के ऊपर जो मैरिनेशन है, चाप की क्वालिटी अच्छी है। और हमने जग्गी सिटी सेंटर में पिछली बार चाप खाई थी जो हमने डस्टबिन में डाली थी, बहुत ही दुख लगा था क्योंकि खाने को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट वो इतनी बेकार क्वालिटी की चाप भी थी और टेस्ट भी इतना बेकार था ना। ये चाप की क्वालिटी अच्छी है, और इसके ऊपर जो मैरिनेशन दे रखे ना मस्त, जो टैंगी फ्लेवर आ रहा है वो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट और है मुझे, मतलब मुझे समझ नहीं आता लोग आजकल कर क्या रहे हैं। ये हरी चटनी लोग पालक की क्यों बना देते हैं यार, माना धनिया 50 रुपये पाइया और रखा है, लेकिन पालक की चटनी बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा। और एक बार इससे पहले मैंने ये एक जगह और खा रखी है राजनगर एक्सटेंशन में, बहुत ही बेकार थी, पता नहीं क्यों बना देते हैं लोग। और साथ में है मलाई वाली ब्रॉकली जो कि ओके ओके टेस्ट दे रही है, मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। वैसे ब्रोकली आपको पता है मेरे को पसंद नहीं, महंगी चीज़, ठीक है ना। वैसे ये सब ट्राई करते करते मेरे दिमाग में बात आई, बताऊँ जग्गी सिटी सेंटर इन्होंने इतनी बड़ी जगह बना दी है, लोग अम्बाला की भी आते हैं, जो क्रॉस करते हैं वो भी बहुत रुकते हैं। वैसे भी लेफ्ट साइड में ऑप्शंस बहुत कम है, कुछ गिनी चुने पॉइंट्स जो हैं या आउटलेट्स हैं जहाँ पर टेस्ट मिल रहा है, बाकी सब जगह बकवास चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ का तो मैं अभी आपको ओवरऑल रिव्यू बाद में दूंगी ना एंड में, स्वाद की गारंटी कितनी को मिलती है। लेकिन सामने मुझे खोखा थाली दिखाई दे रहा है, मैं सोच रही हूँ जुबान चटोरी की पहली आउटलेट में यही खोल दूँ, एटलीस्ट लोगों को स्वाद तो मिलेगा, पैसे खर्चोगे तो चीज़ तो अच्छी मिलेगी, है ना। शुरू कर सोचते घर जाते जाते, अभी रास्ते में ना 2 घंटे का सफ़र है, कुछ सोचती हूँ। ठीक है, तब तक चाप इंजॉय कर लेती हूँ। तो जी आपको मेरे सामने दिखाई दे रहा है चाइनीज प्लेटर जो कि आया है सिजलर फॉर्म में। पहली बार मैं सिजलर खाऊंगी, देखा बहुत बार है, बट ये जो तड़कती भड़कती सी चीज़ें आती हैं ना, एक तो मुझे गर्म खाना वैसे ही नहीं पसंद है, ऊपर से तड़कता भड़कता, बट आज खाएंगे। मुझे लगा था नॉर्मल चाइनीज वो होगा, बट इन्होंने प्लेटर दिया है। तो चलो अभी तक की बात कर लेते हैं। फर्स्ट आइटम खिंचा पापड़ वॉज डिसअपॉइंटिंग, नेक्स्ट आइटम था प्लेटर विच वॉज ओके ओके। अब देखते हैं ये कैसा है, इससे बड़ी सारी उम्मीदें हैं मुझे, ठीक है ना। तो चलो पहले देखते हैं इसको, इसी में से खा लें, क्या ही निकाल लेंगे, गर्मा गर्म तड़कता भड़कता। पहले चाउमिन एंड सॉरी चाउमिन तो देसी वाली होती है, अच्छी जगह बैठ के खाओ तो नूडल्स होते हैं, ठीक है। और है जी मंचूरियन साथ में, और प्लेटर में हमें मिला है ये चिली पनीर होगा ना जी, पनीर ही है ना ये, हाँ दिस इज पनीर। और साथ में हमें मिले हैं स्प्रिंग रोल्स। वैसे हमें नूडल्स नहीं लेने थी, हमें राइस लेने थे,
हम बताना भूल गए, तो गलती अब हमें ही वो करनी पड़ेगी, है ना। ये थोड़ा कहेंगे कि आपने आपने बताया नहीं हमें, ठीक है। तो चलो इस बार नूडल्स खाते हैं। अभी तक तो एक छोटा सी बाइट ली है, गुड सा टेस्ट लग रहा है, नूडल्स अच्छी हैं और जो मंचूरियन की ग्रेवी है वो अच्छी है। बॉल्स निकाल के देखते हैं तोड़ के कैसी है, ठीक है ना। तो जी हाँ, डिटेल टेस्टिंग भी हो चुकी है, वहाँ से मैंने आपको ज़रा सा टेस्ट करके बताया था। और डिटेल टेस्टिंग में रिव्यू आता है ये कि सिर्फ नूडल्स और मंचूरियन अच्छे हैं, पनीर मुझे नहीं अच्छा लगा और स्प्रिंग रोल्स अच्छे हैं लेकिन मुझे नूडल्स वाले उतने ज़्यादा पसंद नहीं आते। इसके साथ अगर सनी बोल रहे हैं कि स्वीट चिली सॉस होती है तो उनको बहुत अच्छे लगते, मुझे नहीं अच्छे लगते नूडल्स वाले, पता नहीं क्यों। और अभी कल ही मैंने एक जगह पर खाए थे चाइनीज़ वाले से लेके, हाय 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 हाय, इतने गंदे स्प्रिंग रोल्स थे कि बस पूछो मत, ठीक है ना। और जो चाइनीज़ प्लेटर है अगर उसकी मैं बात करूँ, तो अभी कुछ टाइम पहले हम लोग दिल्ली से वापस आ रहे थे तो हमने बीकानेर वाला खाए थे जो मुठर में, बहुत ही बढ़िया। और प्राइस वाइज आई थिंक इससे आधा ही होगा, ये तो 590 रुपये का प्लेटर है, टैक्सेस अलग बहुत महंगा, और उसके हिसाब से रेट, मतलब रेट तो महंगा ही होता है, मतलब तो रेट के हिसाब से टेस्ट वाली बात तो मुझे लगी नहीं। बहुत दूर से आए थे हम कि बहुत बढ़िया टेस्ट है जी, बहुत लोग आते हैं, इतना पुराना है, आई थिंक 1950 या 59 ऐसे कुछ लिखा हुआ था, चेक करके पूरा बता दूँगी, मुझे नहीं लगा उतनी वो नहीं है। बाकी अगर आप आ रहे हो जग्गी सिटी सेंटर तो हमारी वीडियो देख के आना, ठीक है ना। मैं तो जग्गी सिटी सेंटर तो आप आ ही जाओगे, लेकिन अगर आप ये भगत तारा चंद खाना खाने आ रहे हो तो वीडियो देख के आना। तो जी नेक्स्ट आइटम हमने मंगवाई है इनकी स्पेशल थाली, और थाली में है जी पीली दाल, ये कोई सब्जी है जो थिक ग्रेवी वाली होती है, और ये मिक्स वेज है लटपटी, मतलब लपट्टेदार, गुलाब जामुन है, रायता है, चावल है, 3 रोटी है, और है जी पापड़ जो कि खींचा वाला नहीं है, नॉर्मल पापड़ दिया है, ठीक है। अब इसको टेस्ट करने का मेरे को मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि पहली 3 आइटम्स भी ऐसी थी। चाइनीज़ प्लेटर की अगर मैं बात करूँ तो वो शुरू में एकदम से आप टेस्ट लेते हो तो आपको बड़ा अच्छा सा लग गया, लेकिन जब डिटेल में नीचे तक गए, अच्छी सी टेस्टिंग की, ओके है, वो भी कोई बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है। व्यू बड़ा अच्छा आ रहा है, व्यू में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बाकी के टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ पूरा है लेकिन व्यू में कतई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बारिश हो रही है बाहर अगर आप लोगों को दिख रही हो तो, लेकिन मुझे ज़रूर दिख रही है, बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है। तो चलो आ जाओ बैक टू थाली आ जाओ, ये हम खाने का रिव्यू करने आए हैं, मौसम का नहीं, ठीक है। यहाँ है जी, अच्छा साथ में छाछ भी मिली थी जो आधी हम पी गए, और छाछ के नाम पर भी ना, मतलब टिपिकल पतला दही वाला पानी है, छाछ वही होती है अगरी, लेकिन उसमें थोड़ा सा नमक पा दिया है, मसाला छाछ ही दे देते यार, इतने सारे पैसे ले रहे हो। अच्छा पीली दाल कौन सी मिलती है मार्केट में जब आप नॉर्मली पीली दाल ऑर्डर करते हो, तो सनी का क्वेश्चन था, कहते पीली दाल ना मूंगी की दाल दे रही है, मैं कहा होती तो पीली है, उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि पीली दाल में हम चने की दाल देंगे, अरहर की दाल देंगे या कौन सी दाल देंगे, उन्होंने मूंगी मसूरी बना के देती है। बेचारा पापा बीमार हैं, कल भी इसने यही खाई थी, आज यहाँ आके भी यही मिल रही है। देखो जब आप पेरेंट्स के साथ रहते हो तो, और वो भी एजेड पेरेंट्स के साथ ना, तो मूंगी मसर हर दूसरे दिन बनती है, ठीक है। तो जी ये है मूंगी मसर जिसे मैं बिल्कुल टेस्ट नहीं करूँगी। हाँ ऊपर तड़का इन्होंने खूब अच्छा सा प्याज व्याज का मार दिया, लेकिन वो बहुत ही ऑयली है, ठीक है। चलो टेस्ट तो कर ही लेती हूँ, तड़का पूरा मिक्स करने के बाद अच्छी लग रही है, बट एक थाली में मैं मूंगी मसर कभी एक्सपेक्ट नहीं करती। और उसके बाद बात करते हैं, ये है जी कोई पनीर की सब्जी जो थिक ग्रेवी वाली होती है, वो इनका वर्जन ऑफ शाही पनीर कह सकते हो, इसे तो मैं बिल्कुल टेस्ट नहीं करूंगी। ये ना वहां मैंने पहली बार ना पुणे में खाई थी, ये सो सारी सब्जियों को ना तरी वाला बना के दे देते हैं, उधर के साइड में मिलता है गुजरात में महाराष्ट्र में, यार क्या मतलब, देखो फलियां भी हैं, गोभी भी है, मशरूम भी है, गाजर भी है, सारी सब्जी उन्होंने प्याज टमाटर का बस्ती मिस्सी सी तड़का बना के उसमें डाल देते हैं ना। नॉर्थ इंडियन को नहीं पसंद आ सकती हैं चीज़ें। उसके बाद आती है बारी जी रायते की, नमक भी नहीं है, नमक भी अपने हिसाब से डालो, बस ऊपर से उन्होंने लाल मिर्चें पा के दे दी हैं, और साथ में हमें मिल गया रोटी। चलो अब देखते हैं कि इसको ख़त्म करते हैं या पैक कराते हैं, और आपको मिलती हूँ बाहर।
प्रॉपर रिव्यू देने के लिए, ठीक है ना। यहाँ बैठ के जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेक निकलते ना, घर जाके बात करो। जी खाना हमने खा लिया, और अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो तृप्ति वर्ड तो बहुत दूर की बात है, मतलब एक होता है ना कि तृप्ति हो गई, बहुत दूर की बात है। बस ओके ओके टाइप्स खाना था, हमने खाना खा लिया, और जिस टेबल पे हम बैठे थे उसके सामने वाला खोखा जग्गी सिटी सेंटर में खाली है, जो बेचारा मुझे कह कह के ऐसे इशारे कर कर के बुला रहे कि भाई तुम ही खोल लो यहाँ पे, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट के बिना वो मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। मेरे बाप दादा जागीर तो छोड़ के गए नहीं है, ठीक है, पाई पाई करके जोड़नी पड़ती है एक ऐसा आउटलेट खोलने के लिए, बट मन बहुत है मेरा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी खाने को अच्छी आउटलेट नहीं है यार। तीसरी चौथी बार आ रही हो सिवाय सिंधी स्वीट्स के, यहाँ पर कोई भी ऐसा आउटलेट नहीं है जो एक अच्छा खाना सर्व कर रहा हो, और यहाँ तो बहुत ही उम्मीदों से आई थी मैं, और बिल्कुल मज़ा नहीं आया। सारी चीज़ें एक एवरेज सी बना रखी हैं, हाईवे पर खोल रखा है, वन टाइम आएंगे लोग, किसी को फ़र्क पड़ता नहीं है। 90% जनता, क्या मतलब 90 वैसे ज़्यादा बोलती है मैंने, 70-75% लोग यहाँ पर बाहर इंडिया में बाहर खाना खाने इसीलिए आते हैं कि घर में नहीं बनाना पड़ेगा, जनानियाँ बनाती नहीं है ना घर में खाना, इसीलिए है ना, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो अगर आप लोग जगदी सिटी सेंटर आ रहे हो और आप लोग यहाँ आकर के अपना खाना एंजॉय करना चाहते हो, तो क्या करना है, कुछ नई जुबान चटोरी को फॉलो सब्सक्राइब करो, और हमारे वीडियोस को ज़रूर देख के आना, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपको यहाँ आना भी है या नहीं, ठीक है ना। और अगर हमारी वीडियो देखने के बाद भी आप यहाँ पे आते हो तो उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, या तो आप हमें सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, दूसरी बात आपको हमारे पे भरोसा नहीं है कि हम आपको एक अच्छी स्वाद की गारंटी वाली जगह बताते हैं, या मतलब जहाँ पर स्वाद की गारंटी मिलती है वो बताते हैं, या फिर आपके पास फालतू का पैसा है, आप कहते हो कोई बात नहीं यार एक बार मैं भी फेंक के देख लूँ कैसा है, तो चलो कोई बात नहीं, जो भी रीजंस हैं मेरे ख्याल से तो यहाँ आना मत, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसी बात पे क्या करना है, कुछ नई जुबान चटोरी को फॉलो और सब्सक्राइब करो, और जो बातें मैंने बोली है ना खोखा खोलने वाली उस पर ज़रूर गौर करना, अगर बढ़िया टेस्टी खाना खाना है तो क्या करना है, फॉलो और सब्सक्राइब करो, चैनल को कुछ यार दिलाओ, बड़ा करवाओ, ताकि मैं भी कुछ खोल सकूँ ऐसा एक अच्छा सा जुबान चटोरी का आउटलेट बहुत जल्द।